इस बॉक्स में है कुछ ऐसा जिसके लिए भाई मैंने दिया है पैसा। थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा, इसमें है भाई गेमिंग माउस एंड कीबोर्ड। और गाइस सीरियसली भाई जिस प्राइस पॉइंट में ये दोनों ही प्रोडक्ट को मैंने परचेज करा है ना भाई, काफी अच्छे फीचर्स दे रहा आपको और काफी अच्छी वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा। चलिए आइए देखते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं क्या कुछ देखने को मिल जाता है आपको। और ये दोनों ही जुक ब्रांड की तरफ से आता है भाई। चलो भाई साहब, तो ये ओ भाई साहब, ओहो ओ भाई साहब, काफी लाइट वेट लग रहा भाई। चलो भाई, यहाँ पे बॉक्स में और कुछ नहीं है, वैसे ये खुला ही हुआ था यार। चलो ओहो ओहो, और इसमें कुछ तो है भाई, कुछ तो है। ये देखो, ये आई डोंट नो क्या है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट अनबॉक्स हो चुका है। जादू को बुलाने की कोशिश में लगे हुए भाई। चलो जोक सपाट, तो चलो बात करते हैं इसकी बिल्ड एंड डिजाइन की भाई। हालांकि जो कीबोर्ड है ये नॉर्मली बेसिक सा डिजाइन पे है, लेकिन जो माउस है ना भाई, इसका डिजाइन काफी सही लग रहा है भाई। बिल्ड वगैरह पॉलीकार्बोनेट ही देखने को मिल जाती है। अब हालांकि यहाँ पे मेरे को डाउट लग रहा है कि प्लास्टिक है या फिर मेटल है। हाँ प्लास्टिक ही है। और एक चीज और यार, अभी देखो मैंने इसको अनबॉक्स करा और अभी से इस पे स्क्रेचेस आना स्टार्ट हो गया। मतलब ये ब्लैक कलर की जो पट्टी दे रही है ना, नाखून के निशान लगेंगे ना तो भाई स्क्रेचेस लग जाएंगे। अब देखो मैं मार के दिखाता हूँ बीरोल पे, विजुअल हो जाएगा आपको। लेकिन भाई यहाँ पे लुकिंग भाई काफी प्रीमियम लग रहा है और भाई इसकी केबल की क्वालिटी भी काफी सही दे रखी है। चलिए बात करते हैं कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की। तो सबसे पहले तो भाई आई थिंक इसको मेरे को रिप्लेसमेंट मारना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे वायर सटा हुआ था। अब यहाँ पे भाई आपको डेंट वगैरह दिख रहा होगा, वायर सटने की वजह से पूरा डेंट लग गया है, लेकिन इससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी भाई बेसिक प्लास्टिक ही है और यहाँ पे भाई टिल्ड वगैरह करो तो ठीक ठाक है भाई, ज्यादा कोशिश मत करना नहीं तो चला जाएगा, भों हो जाएगा। और इसमें आपको छोटा सा स्टेन भी देखने को मिल जाएगा जिसको आप अनफोल्ड करके रख सकते हो टेबल वगैरह पे और आराम से यूज कर पाओगे। और देखते हैं इसका वेट कितना है भाई। और हमारा मशीन भाई ये चलता क्यों नहीं है भाई, इसको एक बार पटको तभी चलता है भाई, बहुत ही एकदम हिसाब वाला है। तो भाई माउस का वेट देखते हैं, 110 ग्राम का इसका वेट है। तो यहाँ पे माउस ऐसे मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन में भारी लगा था, लेकिन भाई लाइट वेट है। एंड गाइस हम कीबोर्ड का वेट देखें तो यहाँ पे भाई कीबोर्ड का ओ भाई साहब 416 ग्राम। तो ठीक है भाई, इसको वैसे भी भाई कौन सा ऐसा लेकर घूमना है। अब इसकी हम कुछ बेसिक्स की बात कर ले तो इसमें भाई 104 बटन दे रखा है। और भाई यहाँ पे जो कीबोर्ड है मैकेनिकल नहीं है, इस प्राइस पॉइंट में आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए। और ये भाई फ्लैश प्रूफ सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है, तो ऐसा कभी कदर भाई पानी वगैरह गिर जाता है, छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, थोड़ा मोड़ा झेल लेगा, लेकिन ऐसा पूरा पानी में मत डुबा देना नहीं तो खत्म, समझे। और भाई जो माउस है 1200 से 3200 के DPI पे आता है और यहाँ पे आपको 6 बटन देखने को मिल जाते हैं और ये मैकेनिकल की यूज किया गया है, तो साउंड जो प्रोड्यूस करता है भाई काफी सही लगता है सुनने में। एंड गाइस यहां पे हम सेटअप वगैरह करते हैं और इसकी RGB लाइट दिखाता हूं आपको, बहुत ही खतरनाक है भाई। माउस और कीबोर्ड दोनों ही में है, लैपटॉप लेके आने दो। तो भाई साहब टेबल पे मेरा जगह नहीं है तो इसलिए इसको हम नीचे रख दिए थे। तो यहां पे हम करते हैं इसका सेटअप एंड लुक इट गाइस, यहाँ पे RGB लाइट भाई काफी खतरनाक दिख रहा है भाई कीबोर्ड पे। और यहाँ पे भाई आपको एक स्क्रॉल बटन देखने को मिल जाएगा जहां से आप ऑन ऑफ कर पाओगे इस लाइट को। एंड गाइस यहाँ पे जुक की ब्रांडिंग दे रखी है बड़े बड़े अक्षरों में। और भाई माउस में भी आपको RGB लाइट देखने को मिलती है जो कि भाई काफी प्रीमियम लग रहा है और इसके साथ मैच खा रहा है भाई। हालांकि भाई इस RGB लाइट को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड आते हैं जिसमें RGB लाइट आती है और जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। बाकी कीबोर्ड में भाई ग्लोइंग इफेक्ट वगैरह भी नहीं दे रखा है तो लाइट ग्लो नहीं करती है। लाइटिंग वगैरह तो ठीक है भाई, अच्छे से पूरा क्लियरली दिखता है इसमें लाइट, तो ये अच्छा लगा मेरे को। हालांकि जो माउस है इसमें भाई लाइट ग्लो करती है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे बटन वगैरह सभी दे रखे हैं। एंड गाइस यहाँ पे इसकी हैप्टिक वगैरह भी सही है, उतना कोई खास नहीं है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट में आता है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक नंबर मेरे को लगा। तो अब ओवरऑल बात करते हैं प्राइसिंग वगैरह की और क्या आपको इस वाले माउस एंड कीबोर्ड को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो भाई मेरे को कीबोर्ड भाई 502 रुपए का पड़ा है, 2 रुपया ये लोग लेकर अमीर बन जाएंगे आप। और जो माउस मेरे को पड़ा है 330 रुपए का। एंड गाइस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ कमियां नहीं निकालना चाहूंगा। देखो जिस प्राइस पॉइंट में ये आपको मिल जा रहा है भाई, उस प्राइस पॉइंट में भाई आपको काफी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपका बजट टाइट है भाई तो आप जुक की तरफ जा सकते हो, जुक कर
झुक कर मत जाना, खड़े होकर जाना। बाकी भाई आप बताओ कि आपको कैसा लगा ये दोनों ही प्रोडक्ट, कमेंट करके एंड गाइस लाइक कर देना भाई, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। और भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई। रुको, बस हमको ये नहीं समझ में आया कि इसको हम कहाँ यूज करेंगे, मतलब सब जगह लगा कर देख लिया, कहीं लग ही नहीं रहा।